हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नमक पारे बनाएंगे, खस्ता मठरी। एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी मैदा डालेंगे। आप इसे बिना बेले ही बना पाएंगे, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, बेलने का झंझट ही नहीं रहेगा इसमें। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक। 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च को फ्रेशली इसे कूट कर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे इसमें। कसूरी मेथी, 2 चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से इस तरीके से डालेंगे क्रश करके। काली मिर्च पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मठरी में। सभी को मिक्स कर लेंगे। इसमें तेल डालेंगे, 1/4 कटोरी तेल है। तेल को हल्का गरम करके डालेंगे। तेल डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तेल गरम है इसलिए चम्मच से पहले मिक्स कर लेंगे। चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसे हाथ से मसल लेंगे, सारे मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। मोयन को चेक कर लेंगे हाथ में इस तरीके से लड्डू बनाकर। परफेक्ट मोयन हो गया है इसमें। अब ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। इसका सख्त डो लगाएंगे, सॉफ्ट नहीं लगाएंगे। इसका डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सख्त इसका डो बनाए हैं। इसे ढककर रखेंगे। 10 मिनट के बाद मठरी बनाएंगे। 10 मिनट हो गया है। एक बार अच्छे से आटे को मसल लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलकर भी बना सकते हैं। बेलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसे हम बिना बेले ही बनाएंगे। इसे लंबे आकार में शेप बना लेंगे। लोई को ऐसे सीजर से काट लेंगे इस तरीके से। बेलने का झंझट ही नहीं रहेगा इसमें। इस तरीके से आप सीजर से काट लें सारे नमक पारे को। आप इसे बेलकर भी छोटी छोटी पूड़ी की तरह भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा शेप बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से नमक पारे को काट लेंगे। एक साइड तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। नमक पारे को काटते जाएंगे और फ्राई भी करते जाएंगे। काटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नमक पारे को काट लिए हैं। तेल गर्म हो गया है। गर्म तेल में डालेंगे नमक पारे को। नमक पारे एक दूसरे में चिपकेगा भी नहीं। सारे नमक पारे को डाल लिए हैं। 1 मिनट के बाद इसे चला लेंगे। नमक पारे को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इसे चला लिए हैं। एक साइड हम नमक पारे को काट लेंगे। नमक पारे को चलाते हुए अच्छा से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे नमक पारे को। गोल्डन ब्राउन हो गया है नमक पारे, इसे निकाल लेंगे। नमक पारे को टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। सारा एक्स्ट्रा तेल टिश्यू पेपर सोख कर लेगा। दूसरे बैच में भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे नमक पारे को। बहुत ही जल्दी काट ले पाएंगे। अब सीजर से काटेंगे तो बेलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नमक पारे को डालकर चला लेंगे। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है नमक पारे, इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है नमक पारे। आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें।
आप इसे होली में भी बना सकते हैं। थैंक यू, बाय।